तो मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट है स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K24 की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना जिन दो सब्सक्राइबर्स की टीम आपस में कम्पीट करेंगी उनके नाम है दोस्तों विवेक्स भाई और समीर भाई। जहां दोस्तों विवेक्स भाई की टीम में द बीस्ट इन कॉर्नर द काउबॉय ब्रॉक लेसनर द वाइपर रैंडी ऑर्टन और अपने नए किंग ऑफ द रिंग गुंथर हैं, वहीं दोस्तों अपने समीर भाई की टीम में द रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड द फाइटर केविन ओवेंस और द फिनोमिनल एज स्टाइल हैं। यानी कि दोनों ही सब्सक्राइबर्स की टीम में सुपरस्टार्स तो बहुत ही जबरदस्त है भाई। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये मैच और देखते हैं फिर आज के हमारे इस टैग टीम मैच में ना किस सब्सक्राइबर की टीम जीतती है। ठीक है चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग अपना ये मैच। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई आज के हमारे इस मैच में ना इन दोनों सब्सक्राइबर्स में से किस सब्सक्राइबर की टीम जीत सकती है भाई, विवेक्स भाई या फिर समीर भाई? और आप लोगों को किसकी टीम सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है भाई? अगर मेरी मानोगे तो मुझे विवेक्स भाई की टीम ना बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है भाई, क्योंकि वहां जितने भी सुपरस्टार हैं सारे के सारे 90 प्लस ओवरऑल वाले हैं भाई। लेकिन देखते हैं भाई क्योंकि आज के मैच में देखो भाई मैचों में नॉकआउट भी ऑन है ना, तो यहाँ पर ओवरऑल आपका ज्यादा मायने रखेगा नहीं भाई। अगर दो या तीन दो फिनिशर भी किसी सुपरस्टार ने बैक टू बैक खा लिए तो मुझे लगता नहीं कि रिंग में ज्यादा सर्वाइव करेगा करके। जैसे देखो अभी अपने काउबॉय के पास भी एक फिनिशर है और स्टोन कोल्ड सर के पास भी एक फिनिशर है भाई, लगा दिया भाई, कर दिया स्टोन कोल्ड सर का तिगड़ धिंधा। लेकिन मैं जानता हूँ भाई स्टोन कोल्ड ऐसे सुपरस्टार है ना जो कम से कम दो या तीन फिनिशर तो खा सकते हैं भाई। फिलहाल एजे स्टाइल ने बचा लिया ना, लेकिन एजे ने इसके साथ ही अपने रिंग में आने की पॉसिबिलिटी को घटा लिया है भाई, क्योंकि अब जब स्टोन कोल्ड सर को उनकी जरूरत होगी ना तब स्टोन कोल्ड को बचाने आ नहीं पाएंगे एजे स्टाइल। एजे बाहर चल जाओ बाहर, बहुत अच्छा भाई। लेकिन स्टोन कोल्ड सर के पास भी तो एक फिनिशर है, लगाना चाहिए था। वैसे भी चलो भाई स्टनर ने टैग दिया स्टनर को, यानी कि केविन ओवेंस को टैग दे दिया ना, स्टनर पड़ सकता था। लेकिन ये क्या किया भाई, बाप रे कितना लंबा बूट दिया भाई, पॉलिश करवाओगे क्या स्टोन कोल्ड केविन ओवेंस? ब्रॉक लेसनर से पॉलिश नहीं करवाना है भाई। अच्छा केविन ओवेंस का फिनिशर खा गए ना बीस्ट, लेकिन फिनिशर खाने के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर के पास उनका फिनिशर आया क्यों नहीं? बाप रे बाप एक ही सुपर पंच में नीचे गिरा दिया। देखो ब्रॉक के पास अभी मौका क्या है पता है आपको, या तो वाइपर को या फिर गुंतर को, इनमें से किसी एक सुपरस्टार को टैग देना पड़ेगा भाई, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स के पास इनके एक एक फिनिशर बचे हुए हैं ना, तो फिनिशर में मेरे हिसाब से केविन ओवेंस एलिमेंट हो सकता है भाई। चलो बहुत अच्छा गुंतर को टैग दे दिया, बहुत अच्छा भाई। गुंतर पावर बॉम्ब खा सकता है, गुंतर बॉम्ब खा सकता है, अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा केओ के पास फिनिशर नहीं है ना अभी, बहुत अच्छा। केओ के पास जब तक फिनिशर नहीं है ना तब तक ही गुंतर के पास मौका है भाई, क्योंकि केविन ओवेंस इसमें स्टंडर मारते सुप्लेक्स लगा दिया। यार गुंतर तो ब्रॉक लेसनर का बहुत जबरदस्त फैन दिख रहा है भाई मुझे। गुंतर एक तो फाइट करना चाहता है ब्रॉक लेसनर के साथ, दूसरा उनके सुप्लेक्स का इस्तेमाल भी करता है भाई गुंतर। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना तो आप लोगों को गुंतर कैसा सुपरस्टार लगता है करके। देखो भाई मैं तो गुंतर को ना फ्यूचर में WWE का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार देख रहा हूँ भाई, क्योंकि जिस हिसाब से WWE गुंतर को ट्रीट कर रही है ना मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक आध साल में ना गुंतर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाला है भाई, और हो सकता है कि समर स्लैम में भी जीत जाए। हाँ क्योंकि भाई किंग ऑफ द रिंग बना है तो वहाँ ट्रिपल एच ने वैसे भी इनको मौका दे दिया है भाई। अब देखते हैं कि वहाँ चैंपियन कौन होता, ड्रू मैकइंटायर या फिर डेमियन प्रीस्ट भाई। अच्छा अभी सीएम पंक भी तो बचे हुए हैं यार, अब देखते हैं कि WWE किस तरह से फैसला लेती है भाई। फिलहाल गुंतर फिनिशर है भाई, अरे कुछ नहीं है यार गुंतर के पास। और दोस्तों मैंने एक चीज़ आप लोगों से दो या तीन वीडियो में लगातार बोल दी है ना, लेकिन चलो एक बार और बोल देता हूँ कि आप लोग ना मुझे जो भी टीम भेज रहे हो, यानी कि जो भी सुपरस्टार्स की टीम भेज रहे हो उसको एक बार मेरे सब्सक्राइबर प्रीमियर लीग की जितने भी वीडियोस आई है ना उनसे मिला लो भाई। आप लोग ये देख लो कि कहीं आपके भेजे हुए सुपरस्टार किसी सब्सक्राइबर की टीम से क्वालिफाई तो नहीं कर गए हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर आप लोगों को अपने सुपरस्टार्स की टीम को बदलना पड़ेगा भाई, उन सुपरस्टार्स को मुझे भेजना पड़ेगा जो कि क्वालिफाई नहीं किए हैं भाई। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से सब्सक्राइबर ना मुझे सेम सुपरस्टार ही भेज रहे हैं और फिर वो लोग ये बोल रहे हैं कि मेरी टीम नहीं आ रही है करके। देखो भाई अगर ऐसी टीम्स भेजोगे ना तो ऐसे में तो आप लोगों की टीम्स का आना मुश्किल हो जाएगा भाई। तो आप लोगों को क्या करना है पता है, मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर प्रीमियर लीग की अभी तक वीडियोस आई है ना उन सारी वीडियोस को देखो भाई, और उसमें देखो कि किस किस सब्सक्राइबर की जो टीम है ना वो क्वालिफाई हो चुकी है, और उसमें फिर ये देखो कि आप लोग कौन कौन से सुपरस्टार क्वालिफाई हो चुके हैं भाई, और जो सुपरस्टार क्वालिफाई हो गए हैं ना आप लोगों को उन सुपरस्टार को अपनी टीम में नहीं लाना है भाई। ठीक है तो आप लोग नए सुपरस्टार्स की टीम बना के भेजो ना यार। और दूसरी बात भी मॉड सुपरस्टार की टीम बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है? सारे के सारे WWE सुपरस्टार्स होने चाहिए, कोई भी ऐसा सुपर हीरो वगैरह का मॉड मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं नहीं चाहूंगा कि सब्सक्राइबर प्रीमियर लीग में फिलहाल कोई मॉड वगैरह आए करके। लेकिन फिलहाल तो एजे स्टाइल भी बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त। एजे फिनिशर है आपके पास, लगा सकते हो यार फिनोमिनल।
स्टाइल क्लैश लगा सकते हैं, गुंतर को लगा सकते हैं, गुंतर के पास भी एक फिनिशर है भाई, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार फिनिशर लगाने में इतने लेट लतीफी क्यों लगा रहे हैं? गुंतर फिनिशर है भैया, फिनिशर देने के पैसे लोगे क्या? सुप्लेक्स लगा दिया, बहुत अच्छा। वैसे गुंतर ये काम सही कर रहे हैं भाई, स्टोन कोल्ड की टीम से ना दोनों सुपरस्टार को लगभग बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिया है भाई। अब इन दोनों सुपरस्टार्स को अगर एक एक फिनिशर भी बैक टू बैक लगता है तो मुझे लगता है कि दोनों सुपरस्टार एलिमिनेट हो सकते हैं भाई। अच्छा एजे एक से एक ही बढ़कर एक मूव क्यों कर रहे हैं भाई? सारे के सारे जितने मूव्स एजे स्टाइल लगा रहे हैं ना, सारे के सारे सेम टू सेम क्यों? और स्टोन कोल्ड सर्को अटैक बहुत अच्छा, इनके पास फिनिशर है भाई, तो गुंतर को एलिमिनेट करने के चांस हैं, लेकिन नहीं, गुंतर ने मौका दिया नहीं एलिमिनेट करने का। गुंतर फिनिशर लगाने के तुम्हारे पास भी चांस है भाई, ये क्या कबड्डी खेल रहे हो क्या अभी स्टोन कोल्ड के साथ? गुंतर बम कम से कम लगाओ तो सही यार। ये देखो भाई, मुझे लगता है कि गुंतर ना बिना स्टनर खाए मारने वाले नहीं है भाई। अच्छा तेरे नाम वाले रेफरी है भाई आज, यानी कि गाना गाना पड़ेगा क्या? तेरे नाम, इसे ज़्यादा नहीं गाऊंगा भैया, वरना आप लोगों को लगेगा कि सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है करके। आरकेओ भी स्टनर लगा दिया, आरकेओ बहुत अच्छा भाई। मैं यही देखना चाह रहा था कि इन दोनों सुपरस्टार्स में से पहले अब तक फिनिशर कौन लगाएगा करके, यहाँ तो वाइपर ने बाजी मारी है भाई। लेकिन देखो उसमें सुपरस्टार्स को एक दूसरे को बचाने आने की जरूरत है नहीं भाई, क्योंकि अगर आप बचाने आओगे बिना, अगर सुपरस्टार नॉकआउट हो गया तब आप क्या कर सकते हो भाई? ये देखो भाई, स्टोन कोल्ड सर इतने जल्दी क्यों काउंट कर रहे हैं? लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे ना कि स्टोन कोल्ड सर ने अभी तक मेरे हिसाब से दो फिनिशर खा लिए हैं, उसके बावजूद भी स्टोन कोल्ड सर की बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हुआ नहीं है। स्टोन कोल्ड स्टनर लगा सकते थे यार, स्टनर क्यों नहीं लगा रहे हैं? रैंडी ने अपना आरकेओ लगा दिया लेकिन स्टनर नहीं लगाया भाई इन्होंने अभी तक। अच्छा केविन ओन्स के पास भी फिनिशर आ चुका है भाई। अच्छा केओ के पास रेज है क्या? अपनी रेज ऊपर करके मुझे लगता है कि केविन ओन्स ने अपने फिनिशर को ऊपर ले लिया है भाई। एजे स्टाइल को ड्रॉप किक मारी, मुझे लगा स्टोन कोल्ड सर को भी पड़ने वाली है भाई। अरे यार स्टोन कोल्ड सर को नहीं छेड़ना था पता है। रैंडी तुम्हारे पास मौका क्या है पता है? अभी अपने पास फटाफट से सिग्नेचर या फिर फिनिशर का कोई स्टॉक लेकर के आओ भाई, क्योंकि केविन ओन्स तुम्हारे कॉर्नर पे जाके तुम्हारे सुपरस्टार को छेड़ रहे हैं भाई। यार रैंडी ये गलत काम कर रहे हैं पता है, केविन ओन्स को खामखा मौका दे रहे हैं अपनी टीम के सुपरस्टार को कमजोर करने का। चलो मुझे लगता है कि इसी बहाने रैंडी के पास फिनिशर वगैरह आ सकता है भाई, लेकिन रैंडी फिनिशर लगाने में थोड़ी सी देरी करते हैं भाई। लगा दिया था विस्टर्नर, लगा दिया था भाई। रैंडी फिनिशर भी ले आओ अपने पास, वैसे सिग्नेचर लगाएंगे तो फिनिशर आ सकता है भाई। अच्छा सिग्नेचर में इनके पास मुझे लगता है कि पंट किक है, पंट किक के अलावा डीडीटी भी होनी चाहिए थी भाई। नहीं 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 अभी तो किकआउट करेंगे, अभी तो केओ किकआउट करेंगे भाई। देखो यहाँ पर अगर किसी भी टीम के सुपरस्टार को, अगली टीम के सुपरस्टार को एलिमिनेट करना है ना, तो नॉकआउट का फायदा उठाना पड़ेगा भाई, क्योंकि नॉकआउट का अगर फायदा नहीं उठाया ना तो मुझे लगता है कि सुपरस्टार एलिमिनेट हो जाएगा। बाप रे बाप, ये काउबॉय बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। केविन ओन्स गया भाई, केओ जा सकता है। रेजिलेंस का इस्तेमाल कर, रेजिलेंस का इस्तेमाल करना था यार। अच्छा बीस के पास अभी तो दो फिनिशर और हैं भाई, स्टोन कोल्ड सर भी जा सकते हैं, स्टोन कोल्ड सर भी जा सकते हैं। सुप्लेक्स लगा दिया, सुप्लेक्स भाई। ब्रॉक के पास दो फिनिशर हैं भाई, अगर दो फिनिशर में से एक फिनिशर और स्टोन कोल्ड सर को पड़ गया ना तो मुझे लगता है कि स्टोन कोल्ड सर एलिमिनेट हो सकते हैं भाई। अरे अरे अपने कॉर्नर पे ले जाने में ब्रॉक ने थोड़ी सी देरी कर दी भाई, थोड़ा सा जल्दी चले जाते ना तो मुझे लगता है कि कुछ हो सकता था। ब्रॉक रिवर्स करोगे या फिर नहीं करोगे? पाइल ड्राइवर लगा दिया, ब्रॉक के पास दो फिनिशर है, लगा सकते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा गुंतर ने रेज ऊपर करने के चक्कर में मार खा ली यार। गुंतर दो फिनिशर, इस बात का याद ध्यान रखना ठीक है, आपके पास दो फिनिशर है भाई, फिनिशर लगा सकते हो, दो फिनिशर। गुंतर स्टोन कोल्ड सर को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एजे स्टाइल और केविन ओन्स दोनों सुपरस्टार्स के पास उनकी हेल्थ नहीं बची है भाई उतनी ज्यादा, तो एलिमिनेट कर सकते हो। अरे अरे गुंतर नॉर्मल मूव से क्या होने वाला स्टोन कोल्ड सर को? कुछ भी नहीं भाई। चलो कम से कम गुंतर ने मार के स्टोन कोल्ड सर की बॉडी डैमेज तो येलो तो कर दी है भाई डैमेज करके। अरे भाई ये तो पूरी की पूरी बेइज्जती कर रहे हैं भाई स्टोन कोल्ड सर की। फिनिशर लगा दो, फिनिशर पड़ने वाला था यार। गुंतर यहाँ पर देरी नहीं करनी फिनिशर लगाने में, सुप्लेक्स लगा दिया और स्टोन कोल्ड सर के पास भी दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है भाई। ये गुंतर क्या कर रहा है भाई? बहुत अच्छे से पावर बॉम्ब लगाने में देरी क्यों हो जा रही गुंतर से बार बार? बेचारे हमेशा पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन लगा नहीं पा रहा। अभी लगा दिया भाई गुंतर बॉम्ब लगा दिया भाई। अभी केविन ओन्स गया रे? नहीं गया यार, बेचारे रेफरी को टोक दिया स्टोन कोल्ड ने। अरे गुंतर पोजीशन बदल भाई, पोजीशन बदल भाई,
फैमिली चैनल है भाई, ये क्या कर रहा है गुंतर? बहुत अच्छा, 20 को टैग दे दिया, बहुत अच्छा भाई। अब मुझे लगता है कि एक फिनिशर पड़ेगा केओ को, केओ को फिनिशर पड़ना है ब्रॉक, फिनिशर। कहां रिंग के कॉर्नर पे ले जा रहे हैं ब्रॉक, पता नहीं। सुपरेक्स लगा दिया ब्रॉक, फिनिशर है आपके पास। अच्छा एजी स्टाइल भी नहीं आ सकते क्या, और स्टोन कोल्ड भी नहीं आ सकते, रेजिलेंस गई, रेजिलेंस गई स्टोन कोल्ड केविन ओवेंस की। ब्रॉक फिनिशर आपके पास, दो फिनिशर है मेरे हिसाब से, केविन ओवेंस एलिमिनेट हो सकते हैं भाई। लेकिन ब्रॉक फिनिशर क्यों नहीं लगा रहे हैं, ऐसे भी काउंट कर लो, काउंट कर सकते हो ब्रॉक। अरे यार आज ब्रॉक थोड़ा सा कमजोर खेल रहे हैं भाई, भले ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ना, लेकिन खेल बहुत कमजोर रहे हैं भाई। ब्रॉक रिवर्स कर दो, रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके सुपरस्टार रिवर्स कर रहे हैं लेकिन ये रिवर्स नहीं कर रहे हैं भाई। एजे के पास कुछ है, एजे के पास एक फिनिशर है भाई, तो यानी कि ब्रॉक लेस्टर को एलिमिनेट करने के चांस हैं, लेकिन एलिमिनेट कर नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि फिनिशर लगने वाला है, फिनिशर लगने वाला है मुझे लग रहा है। अरे यार ब्रॉक फिनिशर का इस्तेमाल कर किसी एक सुपरस्टार को तो एलिमिनेट करो। F5 ब्रॉक, F5 यार, सुप्लेक्स, बेली टू बेली सुप्लेक्स। ब्रॉक फिनिशर का इस्तेमाल करो, इस्तेमाल फिनिशर का करना है भाई, ये नॉर्मल मूव से एजी स्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्नेचर भी है तुम्हारे पास ब्रॉक, फिनिशर और सिग्नेचर दोनों के दोनों आपके पास आ चुके हैं भाई, तो देरी क्यों लगानी हो रही है। एजे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पहले एजे स्टाइल को एलिमिनेट करो, उसके बाद स्टोन कोल्ड सर को एलिमिनेट करो, उसके बाद केविन उसको एलिमिनेट करो, क्योंकि उनको एलिमिनेट करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं भाई। अभी तक तो दोनों ही सब्सक्राइबर्स की टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार वेविक्स भाई की टीम में ब्रॉक लेसनर ऐसा क्या कर रहे हैं, फिनिशर होने के बावजूद भी फिनिशर और सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर को किसी की याद आ गई भाई, तभी तो ऐसा करिए। देखो भाई ये दोनों सुपरस्टार क्या कर रहे हैं, एक को उस कॉर्नर पे ले जा रहे हैं, वहां पर मार खा रहे हैं, एक दूसरा यहां ला रहा है, तो अरे नॉकआउट, बाप रे बाप। सुप्लेक्स लगा दिया, फिर से सुप्लेक्स। ब्रॉक फिनिशर आपके पास, अब मैं कैसे याद दिलाऊं कि ब्रॉक आपके पास सिग्नेचर है करके, फिनिशर भी है। अरे ये लो भाई, ये फिर से अपने कॉर्नर पे ले जाके मार खाएंगे भाई। ये देखो मैंने कहा था ना, ब्रॉक लेसनर भी पहले नहीं मार सकते हैं, उन्हीं के कॉर्नर पे पहुंचने के बाद काम कर रहे हैं, लगा दिया सुप्लेक्स। अरे रिवर्स कर दिया, ये लो भाई ब्रॉक, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर लगाना है तो फिनिशर लगाओ, फिनिशर लगाओ ब्रॉक। ये जो सिग्नेचर फिनिशर दोनों है आपके पास, तो ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करने के चांस है यहाँ, क्योंकि ब्रॉक की बॉडी भी डैमेज हो चुकी है। अभी हाथ और पैरों को छोड़ दें तो ब्रॉक लेसनर की बॉडी लगभग डैमेज हो चुकी है भाई। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई बचाने मत आना, ब्रॉक लेसनर खुद ही किक आउट कर लेंगे भाई। बहुत अच्छा भाई, अच्छा अपने राधे भैया भी अच्छा काउंट कर रहे हैं भाई, दोनों में से किसी भी टीम का साथ दे नहीं रहे अपने राधे भैया। ब्रॉक फिनिशर लगा दो भाई, अब तो राधे भैया का नाम ले लिया मैंने, अब तो कम से कम फिनिशर बनता है ना। अभी भी फिनिशर नहीं लगा रहे ब्रॉक, ये क्या कर रहे हैं भाई। इसी गलती की वजह से मुझे पता है ना, ब्रॉक लेसनर मैच से एलिमिनेट होंगे देखना आप, क्योंकि अभी तक दोनों में से एक भी सुपरस्टार, दोनों टीमों में से एक भी सुपरस्टार एलिमिनेट हुआ नहीं है, और लगभग 13-14 मिनट का मैच हो चुका है भाई, तो कम से कम ब्रॉक अभी तो एलिमिनेशन करो भाई। नॉर्मल मूव से क्यों काम चला रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्रॉक, जबकि एक सुपर फिनिशर भी आ चुका है लेस्टर के पास, तो सुपर फिनिशर आने के टाइम पे कहाँ चले गए भाई। वाइपर को टैग, बहुत अच्छा, लेकिन वाइपर के पास सिग्नेचर के अलावा कुछ है नहीं भाई। ये लो भाई एजे स्टाइल रनिंग में ये मारते हैं क्या भाई। अरे ब्रॉक ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया भाई, बहुत अच्छा डीडीटी लगा रहे, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि एजे स्टाइल जा सकते हैं, लेकिन नहीं गए भाई। अभी कोई बचाने आएगा या फिर नहीं आएगा। अच्छा केओ ने बचा लिया यार, लेकिन एजे के पास फिलहाल रेजिलेंसी भी है, और अगर इस वाले फिनिशर को रिवर्स नहीं किया तो मुझे लगता है कि जाने के चांसेस है, लेकिन रिवर्स कर ही दिया भाई। अब बेचारे रैंडी के पास कोई भी फिनिशर नहीं है भाई। सिग्नेचर लगा दिया एजे ने, लगा दिया सिग्नेचर। अरे सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है भाई, नॉर्मल मूव है ना, सिग्नेचर नहीं है भाई। रैंडी ऐसे करके भी तुम मुझे लगता है कि एजे स्टाइल को एलिमिनेट कर सकते हो भाई, बस एक बार किसी एक गुंतर या फिर ब्रॉक किसी एक सुपरस्टार को टैग दे दो भाई। भाई मैं तो समीर भाई की टीम को थोड़ा लूज समझ रहा था भाई, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खेल रही है भाई, बहुत ही जबरदस्त है। और जिस जिस सब्सक्राइबर ने अभी तक एजे स्टाइल को ना अपनी टीम में नहीं लिया और उनको नेगलेक्ट किया, यानी कि उनको बिल्कुल भी बेकार समझा ना, वो लोग देख सकते हो भाई कितना जबरदस्त खेल रहे हैं अपने एजे स्टाइल।
अच्छा स्टोन कोल्ड के पास कुछ है, स्टोन कोल्ड सर के पास दो फिनिशर है, स्टनर गए रैंडी, अरे बच गए भाई। अच्छा रैंडी ऑर्टन तो अभी ताजे ताजे मैच में आए हैं, मुझे लगता है ब्रॉक ने बचा लिया, क्योंकि जिस हिसाब से स्टनर लगाया था ना, मुझे लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट हो जाएंगे करके। सिग्नेचर रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा। अच्छा रैंडी के पास एक फिनिशर और एक सिग्नेचर आ चुका है भाई, रॉक सुपर फिनिशर है आपके पास, रॉक सुपर फिनिशर है आपके पास। तो स्टोन कोल्ड सर को अगर एलिमिनेट कर देते हो तो मुझे लगता है कि इन दोनों सुपरस्टार को एलिमिनेट करना ज्यादा लंबा है नहीं भाई। गए गए स्टोन कोल्ड सर, गए स्टोन कोल्ड सर जा सकते हैं भाई, क्योंकि केविन ओवेंस और एजी स्टाइल टैप आउट कर दिए, आके भी क्या फायदा हुआ एजी स्टाइल। रॉक के पास अभी फिनिशर वगैरह नहीं है भाई, लेकिन केविन ओवेंस के पास एक फिनिशर है, ब्रॉक सुपरलेक्स सिटी, गए 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 सुपरलेक्स सिटी गए भाई, केओ गया भाई, केओ एलिमिनेट हो गया समझ लो आप लोग, केविन ओवेंस गया मैच से, क्योंकि सुपरलेक्स सिटी में गए 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 केविन ओवेंस गए भाई, केविन ओवेंस भी एलिमिनेट। अरे नहीं नहीं बच गए भाई, F5 की तैयारी रिवर्स कर नहीं सकते क्योंकि स्टन पड़े हुए हैं, लगा दिया F10 लगा दिया ब्रॉक ने, केविन ओवेंस गया, केओ भी गया भाई मैच से, अब मात्र एजी स्टाइल बचे हुए हैं ना, तो एजी स्टाइल के लिए मेरे हिसाब से गुंदर को आना चाहिए भाई, क्योंकि ब्रॉक ने मैच में बैक टू बैक दो एलिमिनेशन कर दिए हैं ना भाई। लो भाई ब्रॉक लेस्टर को एलिमिनेट कर दिया, वाइपर के पास फिनिशर है, वाइपर फिनिशर है आपके पास, लगा दिया भाई। अरे एजी स्टाइल अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ भाई, ये तो एजी स्टाइल ने राधे भैया को पिन करने पर मजबूर कर दिया यार। अच्छा राधे भैया कह रहे हैं कि दो पॉइंट हुए हैं, मतलब कि दो बार काउंट हुआ है ना। रैंडी के पास कुछ है, रैंडी के पास अभी फिनिशर वगैरह कुछ नहीं है, तो गुंतर को टैग बनता है, गुंतर को टैग बनता है रैंडी, क्योंकि एजी के पास एक फिनिशर है भाई, लगभग दोनों ही टीमों में से आधे सुपरस्टार एलिमिनेट हो चुके हैं भाई। अच्छा ऐसे भी रैंडी पिन कर सकते हो, रैंडी पिन करके एजी को एलिमिनेट करो भाई, एजी को एलिमिनेट करो यार। रैंडी के पास फिनिशर वगैरह कुछ है नहीं, नॉर्मल तरीके से मूव्स क्यों लगा रहे हैं। एजी देखो अभी कुछ मत करना ठीक है, उनको अपने कॉर्नर पे ले जाने दो, बहुत अच्छा। गुंतर को टैग दे दो, गुंतर को टैग देने नहीं दिया यार, अगर स्टाइल क्लैश लगाया तो रैंडी गए समझ लो आप लोग, रैंडी एलिमिनेट, रैंडी और टर्नर बच गए भाई, गुंतर बचा लेगा, फिलहाल गुंतर बचा लेगा। राधे भैया ने भी पिन करना शुरू कर दिया है भाई। अच्छा रैंडी एक काम करो, गुंतर को टैग दो ना भाई, गुंतर को टैग बनता है, या तो फिर ऐसे ही पिन कर लो इनके ऊपर, बहुत अच्छा भाई। एजी स्टाइल गई मैच से, एजी स्टाइल का एलिमिनेशन हो गया समझ लो आप लोग, अरे किक आउट कर दिया भाई, बाप रे बाप। एजी स्टाइल को बिल्कुल भी भाई हल्के में मत लेना, आप कोई भी सब्सक्राइबर देख रहे हो कितना जबरदस्त खेल रहा है भाई एजी स्टाइल, आखिरी तक टिका हुआ एजी स्टाइल आखिरी तक, मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन को ले डूबेगा भाई एजी स्टाइल। रिवर्स कर दिया फिनिशर, अब खाएंगे आरकेओ, लगा दिया आरकेओ, एजी स्टाइल एलिमिनेट, बाप रे बाप। अभी भी नॉकआउट से एलिमिनेट नहीं हुए भाई एजी स्टाइल, धीरे धीरे भाई अभी भी किक आउट कर दिया, बाप रे बाप। एजी स्टाइल क्या खेल रहा है भाई, क्या खेल रहा है एजी स्टाइल भाई, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यार कि एजी स्टाइल इतना जबरदस्त खेलेंगे करके। रेजिलेंसी जा चुकी है, दो फिनिशर पड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी मैच से एलिमिनेट नहीं हुए भाई एजी स्टाइल। भाई जिस भी सब्सक्राइबर ने एजी स्टाइल को घालके में लिया ना, उसको तो आज बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा होगा भाई, क्योंकि एजी स्टाइल देख लो भाई कितना जबरदस्त खेल रहे हैं भैया। अब जब तक गुंतर मैच में नहीं आते हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट कर पाएंगे करके एजी स्टाइल को। और भाई रैंडी स्टंट कर दिया रैंडी ऑर्टन को, ले लो भाई। भाई यहाँ तो आज तो एजी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है भाई, नॉकआउट ऑन होने के बावजूद भी मैच को पूरा 20 मिनट का कर दिया। रैंडी टैग दे दो, रैंडी गुंतर तुम्हारे कॉर्नर पे है, टैग दे दो भाई। एजी के पास फिनिशर है, एजी के पास फिनिशर है, रैंडी फिनिशर एजी के पास, और तुम्हारे पास भी एक फिनिशर है भाई। अब दोनों में से जो अपना फिनिशर पहले लगाएगा उसका एलिमिनेशन पक्का है भाई। रिवर्स कर दिया एजी ने, ये भी रिवर्स कर दिया भाई। रैंडी फिनिशर लगा सकते हो, बहुत अच्छा। अरे यार आर क्यों फिर से रिवर्स कर दिया, मुझे लगता है कि रैंडी जा सकते हैं। अच्छा रेजिलेंस है ना रैंडी के पास, तो रैंडी किक आउट करेंगे अभी। रैंडी ने रेजिलेंस का इस्तेमाल कर दिया भाई, लेकिन आज एजे स्टाइल ओपी होना चाहिए भाई, बहुत ही जबरदस्त खेल रहा है एजे स्टाइल यार। मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट किए बिना मानेंगे नहीं एजे स्टाइल। लगा दिया स्टाइल क्लैश, लगा दिया स्टाइल क्लैश, गए। अरे भाई वाइपर को एलिमिनेट कर दिया भाई। अब गुंतर के पास मौका अच्छा है भाई, एजे स्टाइल को एलिमिनेट करके मैच को खत्म कर सकते हैं भाई। गुंतर फिनिशर सिग्नेचर कुछ तो लगा दो, वो भी एजी स्टाइल ने छीन लिया भाई। मुझे लगता है कि आज गुंतर को भी कड़ी टक्कर देने वाले हैं भाई अपने एजी स्टाइल। अच्छा गुंतर लुढ़कते हुए नीचे क्यों चला गया भाई, वो नीचे नहीं जाना भाई गुंतर, सुसाइड डाइव खाली लो भाई। अब
चल भाई गुंतर खड़े उठ खड़े उठ, अरे रिंग के अंदर आ जा भाई गुंतर, रिंग के अंदर आ जा, एजे रिंग के अंदर आने दो भाई उसको। भाई रैंडी ने अपने फिनिशर का इस्तेमाल किया उसके बावजूद भी एजे स्टाइल नॉकआउट नहीं हुए अभी तक मैच में बने हुए हैं भाई। गुंतर फटाफट से रिंग के अंदर आ जा भाई, क्योंकि फिनिशर लगा, फटाफट फिनिशर लगा भाई। अच्छा एजे को यहां तो रिवर्स कर भाई गुंतर, यहां तो रिवर्स कर कम से कम। यार किंग ऑफ द रिंग है गुंतर, मार खा रहा है भाई एजे स्टाइल से। यार WWE एजे स्टाइल को हल्के में क्यों लेती है पता नहीं, हमेशा हल्के में लेती है भाई। यहां पर फंसा के पिन हो सकता है भाई। गुंतर देख लो भाई टाइम पे अगर फिनिशर नहीं लगाया ना तो एलिमिनेशन हो सकता है भाई आपका, एलिमिनेशन हो सकता है भाई। लगा दे स्टाइल क्लैश, मुझे लगता है कि गुंतर भी गया भाई, गुंतर भी जा सकता है भाई, गुंतर भी जा सकता है। रेजिलेंस है ना गुंतर के पास, रेजिलेंस बिना रेजिलेंस से किक आउट कर दिया। गुंतर तू फिनिशर कब लगाएगा भाई फिनिशर, अरे अरे स्टाइल क्लैश, गुंतर गया भाई, गुंतर गया, गुंतर जा सकता है भाई, गुंतर एलिमिनेट हो सकता है भाई। मैच काफी 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 क्रिटिकल मोड पे आ चुका है और राधे भैया पिन करने की सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पाए भाई। अभी स्टाइल के पास एक फिनिशर और है भाई, ओ भाई स्टाइल के पास एक फिनिशर और है भाई। अरे अरे गुंतर, अरे भाई गुंतर कैसे जीत गया भाई इस मैच को। अच्छा गुंतर ने नॉकआउट कर दिया मुझे लग रहा है भाई। कुछ भी कहो आज एजे स्टाइल बहुत ही जबरदस्त मैच लड़े भाई, बहुत ही जबरदस्त। तो चलो फिर दोस्तों हमारा जो आज का ये मैच है वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज का ये मैच पसंद आया ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो, टाटा बाय बाय।